आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल्स है, एक में हम रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं, दूसरे में बिना रिश्तेदार पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। सभी तरह का मानसिक समस्या जो है, सभी तरह की उसका इलाज हमारे यहाँ होता है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है और इसमें हम काम करते हैं। तो आइए, वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये डिलीरियम ट्रेमेंस है ड्यू टू अल्कोहलिज्म, मतलब एकदम शराब छोड़ने के बाद में एकाएक जब शराब छोड़ देते हैं तो उसका कैसा असर ब्रेन के ऊपर होता है, जिसमें हेल्यूसिनेशंस होते हैं, भ्रम हो जाता है और बेहोश होता है, बेहोशी में रहता है। तो उसका इंटरव्यू हम देखेंगे, ये पेशेंट देखेंगे। देखिए जरा, ये जो जब आए थे यहाँ तो ये शराब के आदि है ना, शराब पीते थे। तो शराब एकदम उन्होंने, मतलब शराब छोड़ने के लिए यहाँ आए और शराब का इलाज करने जब आए यहाँ, हमने उनको दाखिल कर लिया। काफ़ी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, तो शराब एकदम छोड़ जाती है। जब शराब छोड़ देते हैं तो आदमी बेहोश जैसा हो जाता है, मतलब उनको मालूम नहीं रहता कि अपन कहाँ हैं, जगह कौन सी है, पहचान देने किसको, पसीना बहुत आ जाता है, हाथ थर थराना, भागम भाग करना, इधर उधर कान में आवाज आना, और ऐसे भागते थे, उसको मारपीट करते थे। शराब एकदम जब छुड़ जाती है तो ये प्रॉब्लम होता है। फिर आप बताइए कैसा हो रहा था जब लाए थे? एकदम मारपीट कर रहा था। हाँ, उसके बाद में आप जो हाथ में आया वो छोड़ते नहीं। हाँ, पर उसे एकदम छुड़ा ना, क्या कोशिश करते नहीं छोड़ता। हाँ, कुछ भी आपको गाली मुझ तो गाली का गाली देता, गाली मारना, पकड़ना, मारना, और इतना वायलेंट था कि फिर हमको उसको बांधना पड़ा, मतलब रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा, क्योंकि चार चार पांच पांच लोगों को मारपीट करना। हाँ, अभी ठीक है, बराबर ठीक है। पहचाना नहीं था, उसको बांधना पड़ा, बांध के हमने फिर उसको सलाइन दिया। फिर हमने सलाइन दिया, दो दिन तक वो बेहोश था, फिर तीसरे दिन उसको नींद आ गई। इसलिए होता क्या है कि शराब एकदम छोड़ने के बाद में कम से कम 72 से 90 घंटे तक करीब करीब एकदम यदि शराब छोड़ती है तो डिलीरियम में जाता है, डिलीरियम ट्रेमेंस। तो ये डिलीरियम का पेशेंट ये था, एकदम शराब छोड़ने के बाद में डिलीरियम में आता है और अल्कोहलिक डिलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं, अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस। और उसमें फिर वो धीरे 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 72 घंटे में अच्छा हो गया। और आज अभी छुट्टी करने में, अभी इनको हम दवा देंगे डायफ्राम की गोली, और वो गोली देके उनको मतलब डायसल्फ्राम जो वो देंगे, तो डायसल्फ्राम जब देंगे तब उनको हम बोलते हैं कि कम से कम 1 साल तक ये डायसल्फ्राम लो। तब वो गोली का जैसा है कि वो गोली लेने के बाद में शराब यदि लिया तो उल्टियाँ आ जाती है, बहुत उल्टियाँ कर देता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, बेचैन हो जाती है, चक्कर आ जाती है, वो डर से फिर वो शराब लेता ही नहीं। तो इसलिए हम वो देते हैं उनको गोलियाँ, और 1 साल तक गोली देते, फॉलोअप करते, मीटिंग को आते हैं और फिर अपना अच्छा जीवन जीते हैं। क्या होता है कि एक शराब के पीछे कम से कम 20 लोग अफेक्ट हो जाते हैं फैमिली को। एक शराब या ना 20 लोगों को तकलीफ देता है, हमने एक अच्छा किया ना 20 लोगों का जीवन अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा डिलीरियम ट्रेमेंस का पेशेंट। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिनको शराब छोड़ने के बाद में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, तो इनका इलाज यदि हो गया तो बहुत अच्छा जीवन वो जी सकते हैं। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप यदि शेयर करोगे तो लोगों को एक साइको एजुकेशन हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होंगी और लोग अपना अपना इलाज अपने अपने जगह पर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करते हैं कि जहाँ लोग हमको ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके काउंसिलिंग कंसल्टेशन ये करते हैं, और ऑनलाइन लोगों का काउंसिलिंग करके हम इलाज भी करते हैं। तो आप ये जरूर ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जो घंटी आती है ना, बेल का आइकॉन आता है, उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।